I'm gonna start with a very basic feature जो हमारे फोन में या फिर किसी भी नॉर्मल गैजेट में होता है called as stopwatch. अब having stopwatch, nobody can even imagine कि आप study के लिए panel पर उसको कैसे use कर सकते हैं. For example, ये आपका board है और आपका कुछ test series चल रहा है या फिर आपने कुछ तो task दिया हुआ है बच्चों को करने के लिए. Just use the stopwatch. जैसे ही आप स्टॉपवॉच स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा है कि एक ऐसे है या फिर एक कॉम्पोजिशन है जिसको एक पर्टिकुलर टाइम में खत्म होना है और आपको उसके अंदर टॉप 3 रैंकर्स निकालने हैं. आप स्टूडेंट, जैसे जैसे स्टूडेंट का कंप्लीट होता जाएगा टास्क, वैसे वैसे स्टूडेंट हैंड रेस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपको उसके अंदर से टॉप 3 निकालना है. अभी यहाँ पर आपका स्टॉपवॉच लगा हुआ है, जैसे ही आप लैप पर प्रेस करते हो, एक स्टूडेंट ने आपका कह दिया कि ये 24 पर्टिकुलर टाइमिंग में उसका खत्म हो गया है, आपको रैंकर 1 मिल गया. सिमिलरली उसी के थोड़े टाइम के बाद में दूसरा स्टूडेंट आपको कह रहा है दे आर डन, दूसरा आपने लैप ले लिया. उसके बाद ऐसे ही करके आप थर्ड लैप तक के या जितने भी लैप्स है, आपको इतने पर्टिकुलर टाइम में कितने स्टूडेंट्स ने अपने क्लास आपकी क्लास में वो पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट किया है, यू विल बी एबल टू इजीली गेज दैट थिंग. तो क्लासरूम के कॉम्पिटेटिव एटमॉस्फेयर और एंगेजिंग एटमॉस्फेयर को मेंटेन रखने के लिए या क्लासरूम के एंथुसियाज्म को और ज्यादा इनहांस करने के लिए आप ये टाइप के फीचर, स्टॉपवॉच का फीचर यूज कर सकते हो. इससे दो फायदा होगा, एक तो बच्चों को टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस होगी, दूसरा एक दूसरे को देखकर जो एंथुसियाज्म होता है पढ़ने का वो इंक्रीज होगा. थैंक यू.